हमारा इतिहास सुनहरा है और इसी इतिहास को देखकर हम आने वाले दिनों के लिए सीखते हैं। यही इतिहास एक अच्छा भविष्य तय करता है और यही इतिहास हमारे आज को खराब कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तारीख और मैं हूँ स्वाति सिंह। 15 सितंबर की तारीख भारत के लिए काफ़ी खास है क्योंकि आज ही के दिन स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजापोत INS 15 सितंबर 1948 में मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। इसके अलावा आज ही के दिन दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, भारत में टेलीविज़न के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास से ही शुरू होती है। आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही अतीत की कई गुदगुदाती बातें याद आ जाती हैं। साड़ी में एंकरों का धीमी आवाज़ में न्यूज़ दिखाने का वो तरीका हमें आज देखने को नहीं मिलता, लेकिन दूरदर्शन की अहमियत आज भी उतनी ही है। दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1959 में शुरू होने वाले दूरदर्शन का 1965 में रोजाना प्रसारण प्रारंभ हुआ। 5 मिनट न्यूज़ बुलेटिन भी इसी साल से शुरू हुआ था। ये तो था 15 सितंबर का भारत के लिए महत्व। अब नज़र डाल लेते हैं इस तारीख का देश दुनिया के लिए महत्व। 15 सितंबर 1916 को प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार रोमे की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया। 15 सितंबर 1846 को जंग बहादुर राणा नेपाल की सत्ता पर काबिज हुए। 15 सितंबर 1894 को जापान ने आज ही के दिन प्योंगयांग की लड़ाई में चीन को करारी मात दी थी। 15 सितंबर 1935 में स्वास्तिका ध्वज जर्मनी का आधिकारिक ध्वज बनाया गया। ये तो था 15 सितंबर का इतिहास। 16 सितंबर का इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल सनराइज न्यूज पर लगातार बने रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई तारीख और कई नई घटनाओं के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।